Hi beautiful people, welcome back back to my YouTube channel. This is me guys, guys, are watching non -stop The Again, I'm with another amazing video. Video, Pakistani talent versus Indian talent. Indian क्या लगता है कि talent किस country का ज्यादा बेहतर है और अगर मैं अपनी राय ना तो टैलेंट जो है वो इंडिया पाकिस्तान दोनों के लोगों में जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है बिकॉज यार पाकिस्तानियां भी जो है वो इंडिया से ही आए हैं ना तो मतलब एक ही सारी जमीन है और एक ही सारी चीजें हैं तो वहां से निकल के आए हैं तो टैलेंट तो उनके अंदर भी है कूट कूट के भरा बस ये है कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो लोगों को उस किस्म की फैसिलिटीज या मौका नहीं मिलता टैलेंट को पॉलिश होने का या आगे बढ़ने का लेकिन इंडिया के अंदर जो है वो उनको फैसिलिटीज मिलती है इंडिया के अंदर जो है आप लोग देखेंगे कि वो टैलेंट को जो है उधर कदर की जाती है लेकिन पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की नहीं रिश्वत की कदर की जाती है तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं और एक चीज और बोलना चाहूंगी यहाँ पर चाहत फतेहल खान का तो को पता है और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो है ओए होए वाला जो है वो गाना गाया था तो इतना ज्यादा वो फेमस नहीं हुआ था वही गाना रातों रात जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो बहुत फेमस हुआ इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने जो है वो उसके ऊपर वीडियो बनाई और फिर क्या था पाकिस्तानियों को ये जो है बात हजम नहीं हुई कि एक बंदा जो है वो आके भड़ रहा है ठीक है उसको जो है वो कॉपी स्ट्राइक देख के उसका यूट्यूब से गाना जो है वो रिमूव करवा दिया गया पाकिस्तान के अंदर ये देखा जाता है कि जब कोई टैलेंट या कोई मतलब ठीक है वो टैलेंट नहीं आप उसको को कह सकते हैं कि मतलब वो था कि मजाक था या मतलब वो बंदा फेमस हो रहा था मतलब उसको सब रोस्ट ही कर रहे थे बट आगे तो वो जा रहा था ना बंदा तो क्या किया कि इन्होंने जो है उसकी टांग खींच ली इनको पाकिस्तानियों ने उसको जो है कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी वो आगे भारी नहीं पाया तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी रेकमेंड सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा अभी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है इसलिए गाइस आप लोगों ने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना ओके फैमिली मेम्बर्स तक पहुंचाना तो चले गए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं असल दोस्तों मेरा नाम है अवकाश हैदर और आप देख रहे हैं है टीवी दोस्तों जब से टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं तब से से हर घर के अंदर से ही नए नए छक्के निकलकर बाहर आ रहे हैं चके? इन पापा के परों इंटरनेट पर ऐसा कैंसर फैलाया हुआ है कि अब तो शैतान भी कंफ्यूज हो चुका है वैसे तो आप सबने शादियों के मौके पर कई ख्वाजा सराह देखे होंगे लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया के सबसे नापाक कॉन्टेंट क्रिएटर के बारे में बताने जा रहा हूँ तो

अंकल ने पकड़ लिया तो भी, गैन भी हो सकती है लेकिन इस खतरनाक माहौल के बावजूद भी बाजी जुनैर हर रोज इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर आरोप अपलोड करती है ताकि दुनिया को पता चल सके की पाकिस्तान भी कैंसर ऐसी महफूज नहीं है बल्कि यहाँ भी छक्के छक्केरे बड़े है फिलहाल इस पापा की परी ने पूरे पाकिस्तान में आग लगाई हुई है इस बंदे की टांगे टूथ पिक की तरह पतली हैं पर मजाल है जो कोई इसे नागन बनने से रोक सके मजे की बात यह है कि इस बाजी को बूढ़े चाचू कुछ ज्यादा ही पसंद है पर इस पता नहीं है कि इन बूढ़ी हड्डियों में भी जब करंट आ जाता है तो इस जैसी बर्वी को वो कच्चे ही निकल जाएगी खैर इस जनरेशन के हालात देखकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा ही मीठा नजर आ रहा है मिस बी चौधरी दोस्तों एक दौर था जब अमीर बदमाश और गांव के वटेरे लोग अपने आप को चौधरी का लकब देते थे लेकिन इन बिचारों को क्या पता था कि इनकी गंदी औलाद ऐसे इमाम करेगी कि शैतान को भी शर्म आ जाएगी ये जो छक्कों का टोला आप देख रहे हैं okay, को है, है। ये पूरा गैंग है जिसने रिसेंटली अपने आप को अपनी खुआर करना शुरू किया है अपनी तरफ से तो ये बड़ी फनी वीडियोस बना रहे होते हैं लेकिन इनकी मिठास को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि ये लोग मेल कैटेगरी से दूर दूर तक बाहर निकल चुके हैं लिटरली इन लोगों के जोक्स इनसे भी ज्यादा ठंडे होते हैं वैसे इन छक्कों की पॉपुलेशन पाकिस्तान में इतनी बढ़ जाएगी ये बात किसी ने सोची भी नहीं थी इनके बेचारे पेरेंट्स इन्हें क्यों मोबाइल लेकर देते हैं और ये लोग सोशल मीडिया पर आकर कैटरीना कैफ बन जाते हैं चंगा भला शहर था सरगोदा पता नहीं ये कैंसर नहीं कहां नहीं से पैदा गया। हो गया मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लोग आखिर चाहते क्या हैं बहरहाल इन लोगों को जितने भी लित्तर मारे जाए इतना ही कम है ये स्पेशल वीडियो दिनान के लिए है दिनान को बुढ़ी को ठुटे खा के बाहर दोस्त आज कह रहे थे आज पावे खा गया है ये दोस्तों दादी दादी इंडियन ड्रामों की आंटियां पूरी दुनिया में ही फेमस है जब ये रसोड़े में कौन था वाली आंटी इंटरनेट पर वायरल हुई थी तो परिजवाल नाम के ये चाचू इतने इंप्रेस हुए कि इन्होंने अंकल से आंटी में कन्वर्ट होने का फैसला कर लिया तो, तो पहले बहुत ही जहरीला था लेकिन जब चाचा साड़ी पहन कर आंटा बना आंटा। तो बदसूरत यार मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों का तो कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है चंगा बला बंदा था और सिर्फ इंस्टाग्राम पर वायरल होने के लिए बदसूरत चाची बन गया अब तो बच्चों को डराने के लिए जिन और भोए की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि भूत और चुड़ैलों की जगह तो इन लोगों ने ले ली है अच्छा अपनी तरफ से तो ये आंटा एक मेकअप आर्टिस्ट है लेकिन हैरान की बात ये है तो कि चाचू को सारी जिंदगी पता ही नहीं चला कि ये गुलाब जामुन है जैसे ही इंस्टाग्राम आया तो अंकल के अंदर छुपी आंटी बाहर आ गई अफसोस गए। की बात ये है कि प्रजवाल आंटी रोज नई नई साड़ियाँ पहनकर रील्स बनाती है लेकिन फेमस फिर भी नहीं हो पा रही वेल आप सब इस कमेटी वाली आंटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है दोस्तों ये जो दादा की परी आप देख रहे हैं ये साउथ इंडिया की सबसे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए है तो तो हैं। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ये आंटी चाहत फतेह अली खान की बहन लगती है तो ऐसा लगता है जैसे ये दोनों जुड़वा भाई थे एक भाई लंदन जाके सिंगर बन गया और दूसरा नागन खैर सब चीजों से

ओपन करें और ये गुलाब जामुन नजर आ जाए तो आपका क्या हाल होगा ये बंदा सच में किसी कैंसर से कम नहीं है कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? किन्नर किन्नर बोलते हैं ना हिंदी में इनको इनके पास ना रहने को घर है ना रोजगार है ना पैसा है फलक शेर दोस्तों इंटरनेट की ये दुनिया इतनी मिस्टीरियस हो चुकी है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है मतलब कुछ भी फॉर एग्जाम्पल कोई सख्त कवारा बंदा टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर स्क्रोल कर रहा हो और उसे फलक अच्छा नाम, नाम की हसीन लड़की नजर आए और वो बेचारा आंखें आकने के लिए लड़की की प्रोफाइल चेक करे तो पता चले कि ये तो पापा का परा है तो सोचिए उस मस्किन पर क्या गुजरेगी खैर फलक शेर नाम की ये बाजी रावलपिंडी में रहती है पहले एक भाई थे फिर इन्हें पता चला की लड़कियों को तो जहेज मिल है, तो समान के लालच में ये भाई से बहन में कन्वर्ट हो गए। Literally इस बंदे की को तो तो शैतान भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये काम तो मुझे भी नहीं आते थे जो काम लेकिन लड़कियों का मेकअप करके कर इसके अपने हारमोन भी चेंज हो गए पता नहीं लड़कियों का क्या बनेगा क्योंकि जिस स्पीड बर्फियां जेंडर चेंज कर रही है मुल्क में लड़कों काल पड़ जाएगा ये सच में हमाकत है सुमित दोस्तों सुमित इंडिया के ब्रांड न्यू छक्कों में से एक है पहले ये बंदा बिल्कुल नॉर्मल लड़कों की तरह देसी बॉय था जो कि सोशल मीडिया पर फेमस होने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई टैलेंट ना होने की वजह से सब लोगों ने इसे फटे हुए शापर की तरह इग्नोर कर दिया पर इस माँ के लाल को फेम का इतना चस्का था कि इसने बर्फी बनने का फैसला किया अब ये सस्ता एलेक्स भट्टी नागन बनकर फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अफसोस अपनी इज्जत नीलाम करने के बावजूद लोगों ने इसे घास नहीं डाला और छक्की व्यूज के लिए खुआर हो रही है वैसे आपको बताता चलूँ की उर्फी जावेद की इस छोटे और ये इंडिया के इलाके ठाकुर में रहता है मैं तो ये सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ की इन लोगों के पेरेंट्स आरोप क्या गुजरती होगी जब ऐसी गंदी औलाद को देखते होंगे बंदा इन छक्कों को इतने लेर मारे कि इनके अंदर की सारी औरत बाहर आ जाए अब इससे ज्यादा जिल्लत और क्या हो सकती है कितने शानदार विचार रखते हैं जी और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं तो दो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही ओके गाइस तो आज के लिए बस इतना ही और uh... मतलब लाइक ये चक्के मतलब ये किन्नर पता नहीं क्या, क्या क्या ये बने हुए हैं अच्छे खासे यार लड़के कुछ की तो दाढ़ी भी थी और उनको रिमूव करके और एकदम ट्रांसफॉर्मेशन कर दी उनकी जो है वो लड़कियां बन गए पता नहीं क्या अजीब इनको शौक चढ़े अच्छा खासा तुम तुम लोगों को ऊपर वालों ने लड़का बनाया है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे पैदा होने पर कितनी खुशियां बनाएंगे बेटा हुआ बेटा हुआ है मिठाइयाँ बांटी होंगी और फिर कुछ सालों के बाद पता चलता है हमारा बेटा ट्रांसफॉर्म होकर जो है वो लड़की बन चुका है तो क्या ही उनके ऊपर बीती होगी तो यार शर्म करो लड़के हो शुक्र करो आपको जो जैसा भी खुदा ने बनाया उसके ऊपर शुक्र करो अपने आप को जो है वो ना छक्का ना बनाया करो तो गाइस आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएंगे तो चले गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय बाय